जलूल, ये खबर पढ़कर तो मुझ पर एक तारीखी हैबत तारी हो गई है कि खबर ये है कि इस साल अवाम को तारीखी बजट पेश किया जाएगा। अरे बावले, अभी दिन तारीख का कोई ऐलान आया नहीं और तूने तारीख सास कबल अज मर्ग वावेला शुरू कर दिया। अरे आखिर इस हिस्टोरिकल बजट के ऐलान पर इतना हिस्टेरिकल क्यों हो रहा है? ओ यार, पहले भी ऐसा ही एक बजट का दिल नवाज ऐलान आया था शर्तिया अवाम दोस्त बजट की शह सुर्खी के साथ, मगर हुआ क्या, अवाम दोस्त बजट ने अपन का गोद छोड़ा ना पोस्ट कसम से। ओ नो, अरे ऐसा अवाम दोस्त बजट तो कोई अवाम दुश्मन भी नहीं पेश कर सकता। खैर जो भी हुआ, अब वो तारीख का हिस्सा हो चुका। अब जो बजट आवेगा वो शायद नई तारीख रकम करे। ओ यार क्या बोलता तू, रकम है नहीं फिर क्या खा के तारीख रकम करेगा? रेलवे के इंजनों के लिए रकम है नहीं, एयरलाइन के जहाजों के लिए रकम है नहीं, कर्जों की अदायगी के लिए रकम है नहीं, तरक्याती मनसूबों के लिए रकम भी नदारद है की। अरे फिर तो यही कहा जा सकता है कि बजट हो दोस्त जिसका, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। ये बता, ऐसी कौन सी तारीखी खूबी है इस तारीखी बजट में जिसकी बिना पर ये तारीखी ऐलान आया है? ओ यार, खराबी खूबी तो बजट आने के बाद पता चलेगा, अभी तो सिर्फ ये वादा आया हैगा कि बजट तारीखी होएगा कसम से। अरे इस तरह के तो बेशुमार दिल खुशकुन ऐलान तारीख में सुनहरे हरफों में दर्ज हैं। रोटी कपड़ा मकान का वादा याद है ना? वो बिल्कुल याद हैगा, और शुक्र कर सिर्फ याद रखा हैगा, एतबार नहीं किया, वरना अपने चचा गालिब के बकौल, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना के खुशी से मर ना जाते, अगर एतबार होता आधा बर्ज़े। अरे सिर्फ यही नहीं, बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, दहशतगर्दी, सेहत, तालीम और बेरोजगारी के टिशू हल करने के लिए भी कई तारीखी इकदाम के वादे आते रहे हैं, मगर एक भी वादा पूरा ना हुआ। वो शुक्र कर उन्होंने ये वादे पूरे करने की कोशिश नहीं की, वरना अपन का ऐसा बुरा हाल होता जिसकी तारीख में मिसाल न मिलती, तेरी कसम।